इसी महाबीमारी के बीच में अपनी अपनी प्रतिभाओं को लोग दिखाने के लिए फिलहाल सामने आए। इनमें से सुरित निगम का नाम प्रमुखता के साथ में उभर कर सामने आया, जहां उनका मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में डंका बजना शुरू हो चुका है। आपको बताते हैं कि कोरोना फाइटर्स के लिए उन्होंने जिस तरीके से गाना गाया था, उससे चारों तरफ उनके जय जयकारे भी हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, कि उन कोरोना वायरस को उन्होंने पूरा गाना समर्पित किया था। फिलहाल इसकी जानकारी एक बार फिर अरविंद चित्रांश जी ने दी है। उन्होंने कहा है कि भाव भक्ति से परिपूर्ण श्रावण महीने में प्रथम सोमवार को महादेव के देव को संगीत में मनोकामना की गई है, जिसमें वो पूरे भाव के साथ में अपना गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। एआर एंटरटेनमेंट के फाउंडर डायरेक्टर अरविंद चित्रांश की माने तो बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा प्लेबैक सिंगर सुरित निगम ने अपनी बेहतर आवाज के साथ में पूरे भाव के साथ में शंकर भगवान को ये गाना समर्पित किया है, ताकि जल्दी से जल्दी कोरोना जैसी महाबीमारी पर विजय हासिल की जा सके। इस गीत का संगीत निर्देशन अनुराग भौलिया ने किया है और कंपोजिशन और गीत खुद सिंगर सुरित निगम का है। फिलहाल इसका सभी को इंतजार है कि आगे क्या करने वाले, लेकिन इस समय पूरे मनोभाव में डूब कर लोग इस पूरे गाने को लोग सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपको कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाएं, आपको स्वस्थ रखें, आपको खुश रखें। मैं सुरित निगम सावन के इस पावन अवसर पे एक गाना लाया हूँ, जिसका नाम है हर हर महादेव। इसको बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया है अनुराग भोलिया भैया ने, और इसका वीडियो भी अनुराग भोलिया भैया ने बनाया है। इस गाने को लिखा, गाया और कंपोज मैंने है, और ये गाना महादेव पे है। ये बताता है कि महादेव और एक इंसान का रिलेशन कैसा होता है, और इस गाने पे बहुत खूबसूरती से बैक कीज विजय सैनी सर ने दी है, जो कि हम लोगों के गुरु भी हैं। और मैं आदरणीय अरविंद चित्रांश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो वो मुझे इतना सपोर्ट और प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तूने सब दिया, तेरा नाम लेके मैं मुझे करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं।